को लेकर कांग्रेस का कहना है कि रोजगार नहीं है, गरीबों के लिए? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। उन्होंने जो भी वादे किए थे राजस्थान की जनता को, उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया था। बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं, लेकिन जीरो काम। मोदी जी, मैंने जैसा कहा, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और पूरी गारंटी लेते हैं वो कि मैं ये सब कुछ मैनिफेस्टो में हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें 5 साल में होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, सीनियर सिटीजन्स को भी आयुष्मान का बेनिफिट दिया गया है पूरी तरह से, हमारे आवास योजना की भी लिमिट बढ़ाई है, हर प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। यूसीसी का भी कहा है कि यूसीसी लागू करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टो में हैं। मोदी जी यूथ को जॉब गिवर बनाना चाहते हैं। हर बार यूथ किसी के सामने हाथ फैलाए वो भी अच्छी बात नहीं है। तो एक हमारे देश को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस यूथ को थोड़ा ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे, और पूरी तरह से कैसे ये लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे कि ये लोग खुद अपना कुछ शुरू कर सकें। हमने देखा स्टार्टअप्स की संख्या 2013 से लेकर आज तक, अब कितने स्टार्टअप्स हो गए, मोर देन 1 लाख स्टार्टअप्स। उस समय कितने थे, 3-4 हज़ार स्टार्टअप्स। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे यूथ में वो कैपेबिलिटी हो चुकी है कि वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, वो एक्चुअली जॉब गिवर्स बन गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहा है बीजेपी का। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो जॉब्स तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे ना। तो ये सब चीज़ें जॉब्स क्रिएट होने के ही काम है। लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान में चेंजेस लाना चाहते हैं संविधान में। नहीं, वो तो चेंजेस जो भी आएंगे आएंगे, पहले भी तो आए, 370 भी तो हमने किया क्योंकि हमारी मेजोरिटी थी। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं ना, लेने हैं बिल्कुल, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मेजोरिटी होनी चाहिए। और ये सारी डिसीजंस जो हैं ये हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर ले जाने की ही डिसीजंस है, और बहुत ज़रूरी डिसीजंस है। हम लोग चाहते हैं हमारा देश एक मजबूत देश बने, एक आत्मनिर्भर देश बने, एक डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आए। अभी हम लोग उसमें नहीं थे 10 साल पहले, अब धीरे धीरे आने लगे हैं। अगर हम चाहते हैं कि विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग हमारे जो पुराने कानून थे, पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जो कि मोदी जी करेंगे। एक राजस्थान अब लगातार विजिट कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कुछ सीटें हैं जो हम जीतेंगे, आपको क्या लगता है? मैं उनकी बात पे, देखिए उनका काम है बोलना, बोलने दीजिए। अब रिजल्ट जब आएगा सब लोग देख लेंगे। हम लोग पूरी 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं।